जब उन्होंने प्रभु राम को दर्शन किया, देखो इस शब्द में ध्यान लगाओ, पहले ये भगवान को निराकार मानते थे, भगवान का निराकार निर्विशेष, उनका कोई रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं है। लेकिन जब उन्होंने राम को दर्शन किया ना, बोले इन्हीं बिल्लो को तो अति हर्षिता बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो भगवान को जो निराकार ब्रह्म ब्रह्म कह रहे थे, अपनी आप हृदय से ये ब्रह्म सुखद फिर वो समझ गई, जो राम है ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म है। इसलिए भागवत में बताया कि ब्रह्म कौन है, बोले भगवान कृष्ण की अंग की जो प्रकाश है, यही उसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है, परम ब्रह्म, राम परम ब्रह्म। इसलिए उन्होंने एक दिन सीता जी घर गेंद खेल रही थी, वहां पर धनुष था, कहते श्री शंकर जी की धनुष, इतना बड़ा धनुष था, जिस धनुष को 400 व्यक्ति एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जाकर, इतने बड़े धनुष। एक दिन सीता गेंद खेलते खेलते वो गेंद कैसे धनुष करके फंस गया, फंस गया तो सीता गई और एक हाथ में पकड़ करके धनुष को उठा दी और उसको नीचे से उन्होंने गेंद को निकाल ली। जनक महाराज बोले, हाय, जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं, मेरी बेटी में इतने शक्ति, एक हाथ से धनुष उठा दी और नीचे से गेंद को निकाल ली, मतलब मेरी जो बेटी है ना, ये साधारण नहीं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप। अभी लक्ष्मी को साथ में किसकी शादी होगी, कोई नारायण की शादी हो सकती है और किसका शादी हो ही नहीं सकती, लेकिन नारायण पता कैसे चले, ये भगवान वही। इसलिए जब श्री रामचंद्र आए जनकपुरी में, जब उन्होंने से जनकपुरी में दर्शन किया कि बोले राम को दर्शन करके जो ब्रह्म सुख, वो अपने आप अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान होकर के राम की चरण में मन लग गया, फिर तो वो समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये राम कौन है, ये परम ब्रह्म, ये स्वयं है, यही स्वयं नारायण है, यही नारायण है, इसी को साथ में मेरी बेटी की शादी होगी। इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को, उन्होंने उनको जो वाटिका में उनका आश्रय दिए, वशिष्ठ जी उपयुक्त समय दे करके राम लक्ष्मण को बोले, जाओ तुम लोग वाटिका से पुष्प चढ़ने करके लाओ। जब वो दोनों वाटिका में प्रवेश किए, वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प इनका अपने हाथों से अपने आप समर्पित हो रहे थे, लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन राम कौन सा पुष्प को चयन कर रहे थे, बोल जो खिले हुए फूल थे, अभी जो अधखिले जो कलिया अभी रोना शुरू कर दिया। इतने में लक्ष्मण ने कहा, भैया तू रो रहे क्यों, बोले रोएंगे नहीं क्या हंसेंगे, अगर आज हम खिले हुए होते ना, प्रभु आज हमें भी स्वीकार करते, लेकिन हम अधखिल है ना, इसलिए ठाकुर हमें स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता क्यों करते, मैं हूं ना, मैं तुमको प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। इतने में लक्ष्मण ने अधखिले जो कलिया थी ना, उसको तोड़ना शुरू किया, उन्होंने उनको तोड़ना शुरू किया, तोड़ करके प्रभु राम को बोले, बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है, ये निकुंज में आपको बैठा करके अपने हाथों से श्रृंगार करूं। बोले कोई बात नहीं, वो जो अधखिले कलियों से सुंदर सुंदर गुच्छा बना करके प्रभु की चोटी में उन्होंने श्रृंगार कर दी। देखो कहते खिले हुए फूल कहाँ पर है, भगवान के हाथों में, बोले अधखिले कलिया कहाँ पर, बोले भगवान की चोटी में, भगवान की चोटी में, बोले ऐसे कैसे हो गया, वो जो अधखिले जो कली किसकी शरण में आए, लक्ष्मण की शरण में आए। बोले लक्ष्मण कौन है, बोले गुरु जी है, ये गुरु जी लक्ष्मण तत्व। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर किसी संत को शरण में आ जाओ, भले ही हम अधखिले क्यों नहीं हो, अधखिले मतलब हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं, लेकिन आप किसी भक्तों को शरण में अगर आ जाए ना, वो भक्त हम क्या करेगा, ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। अगर खिले हुए भी तू नहीं हो, अगर ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे, तो फिर गुरु जी की शरण में नहीं जाएंगे, भैया खिले के खिले रह जाओगे, लेकिन ठाकुर की सेवा में तू लग नहीं सकते। उसी समय में मैया सीता भी
अपना देवी पूजा के लिए है, वो भी पूजा के लिए आई थी। इतने में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों दोनों को वहां पर मिले। अभी राम सीता को देख करके पहचान गए और सीता प्रभु राम को देख करके पहचान गए, ये मेरे प्रभु और ये मेरे सेविका दासी है। जब वो वाटिका से आए, राम कह रहे मेरे लक्ष्मण, रघु कुल रीति सदा चरित आई, प्राण जाए भरु वचन करे। हम दशरथ महाराज की वजह से नहीं, भगवान राम कभी भी सर उठा करके पराई स्त्रियों को ऊपर में कभी नजरें नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए। इसलिए प्रभु हर समय सर को नीचा करके चलते थे, हर समय नीचा करके चलते थे। लेकिन जब पहला बार उन्होंने सीता को दर्शन की, भगवान का राम की हृदय ना चंचल होगा, चंचल होगा। उसने लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण हम इसे दशरथ महाराज के बेटे हैं, हमने कभी भी पराई स्त्रियों को देखा ही नहीं, लेकिन आज पहला बार सीता को देख करके पता नहीं मेरे मन में चंचलता आ गई। इससे लगता है कि ये सीता है ना, ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है, ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है, हैं? इतने में राम लक्ष्मण श्री जनक महाराज की जो सभा बैठा हुआ, जिसमें बड़े बड़े राजा लोग जिसमें आए हुए थे, बड़े बड़े राजा लोग जिसमें आए हुए थे, वहां पर जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की, ये धनुष को उठा करके इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी श्री जानकी की शादी होगी। वहां पर बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे, कहते स्वयं रावण भी वहां पर आया था, उसने भी कोशिश की, बड़े कष्ट से हाथ को तो नीचे फंसाया धनुष को नीचे, लेकिन वो हाथ को निकाल नहीं पाया। फिर धनुष को किसी तरह से उठाया तो रावण ने फिर हाथ को निकाला। इतने बड़ा वो धनुष था, लेकिन सबके सब कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन किसी से भी ये धनुष उठ नहीं रहा था। लेकिन वहां पर जनक महाराज देख रहे थे, दुनिया में यही होता है, जो उठाएगा वो तो चुपचाप बैठा हुआ, और जो उठा नहीं पाएगा ना वही कोशिश करते उठाने के लिए। जब किसी ने उठा नहीं सके, गोस्वामी तुलसीदास बहुत एक सुंदर उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण देते हैं, कहते ये लक्ष्मण जी कौन है, बोले ये डंडे स्वरूप है, बोले राम किया, बोले झंडे स्वरूप है, बोले डंडा झंडा कहाँ रहता है, बोले डंडे के ऊपर में, डंडे के ऊपर में, इसलिए पहले डंडा उठा फिर झंडा उठेगा, मतलब पहले लक्ष्मण को उठा फिर राम उठेगा, हाँ उठेगा। इतने में ये लक्ष्मण को उठाने के लिए श्री जनक महाराज थोड़ी सी उन्होंने कड़ी वचन सुना दी, बोले लगता है ये पृथ्वी ये वीर शून्य हो गया है। इतना जो बोले लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण कौन है, ये अनंत नाग है, ये अनंत देव है। कद एक मणिधर सर्प होता है, जिसका सर पर होता है मणि, ये मणि में ही इसका प्राण रहता है, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना है तो वो सांप नहीं छोड़ता खा जाएगा। कहते ये मणिधर सर्प कौन, स्वयं श्री लक्ष्मण जी, बोले ये मणि स्वरूप कौन है, बोले भगवान राम, अगर राम को कोई छेड़ देना है लक्ष्मण कभी सहन नहीं कर सकता है। जब श्री जनक महाराज इतनी सी बोली बोले, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। इतना सुनते ही लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, इतने में लक्ष्मण तमतमात हुए खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप रहो, इतने बड़ी बात जहां पर मेरे प्रभु स्वयं बैठे हुए, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक यहाँ पर बैठे हुए, आप कह रहे हो पृथ्वी वीर शून्य हो गया, अरे हम तो बचपन में ऐसे कितने धनुष को खेलते खेलते हम तोड़ दिए, कितने धनुष को तोड़ दिए, कर ये धनुष का क्या बात करते हो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैंने एक कच्चा घड़े का भांति में चकनाचूर कर सकता हूँ, क्यों ये अनंत देव है, संपूर्ण पृथ्वी को अपना सर के ऊपर में एक सरसों जैसे धारण करके रखे। जब ये बात बोले ना, इतने में राम कहते लक्ष्मण चुप बैठे, यहाँ गुरु जी बैठे ना, अरे गुरु जी को पहले आदेश तो लेने दे, मेरे को पता तू स्वयं धरणधर हो, ये काम को तू कर सकते, अगर ये धनुष तोड़ोगे तो मेरी क्या होगा बता, जब छोड़ेगा उसके साथ में शादी होगी सीता की, अगर तू तोड़ोगे तो फिर मेरी क्या होगी, चुप बैठो, अभी गुरु जी को आदेश लेने दो।
इतने में विश्वामित्र जी उपयुक्त समय को देख करके राम को आदेश दिया, बोले बेटा जाओ बेटा, ये जनक महाराज का हृदय में जो ताप है ये ताप को तुम दूर करो। सामने माँ सीता वरमाला लेकर खड़ी हुई है सामने, और इधर भगवान राम धीरे 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 भगवान राम अभी सामने जा रहे हैं। जब भगवान राम जा रहे थे इतने में मैया सीता तो प्राण त्याग करने जा रही थी। बोले क्यों? बोले मैया सीता सोच रही थी क्या राम ये धनुष को उठा पाएंगे। बोले उसकी मैंने में शंका क्यों हो गई? बोले जब राम सवेरे वो पुष्प चयन करने गए थे, वो जाते समय वो पुष्प को चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प इनको हाथों में समर्पित हो रहा था। और सवेरे का समय था, मंद मीठी 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 हवा बह रही थी, लेकिन भगवान राम इतने कोमल अंग भगवान का राम है तब भी इनके शरीर से पसीना बह रहा है, मतलब इतने कोमल अंग भगवान राम है। इसलिए मैया सीता सोच रही है भैया इतना बड़ा धनुष क्या ये तोड़ पाएंगे, अगर ये धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे फिर मेरी क्या होगी। इसलिए माँ सीता तो प्राण त्याग करने जा रही थी। बोले बेटा ये प्राण त्याग कर रही थी, भगवान राम अभी सीता के मन की भावना समझ गए। बोले का बरसा जब कृषि सुझाई, भैया इसलिए तो धनुष को तोड़ना चाह रहा था सीता से शादी करने के लिए, अगर धनुष तोड़ने से पहले सीता अगर शरीर छोड़ दी फिर धनुष तोड़ करके लाभ क्या है। अभी सीता की मन की भावना प्रभु राम समझ गए, फिर जल्दी जल्दी सामने गए। पता नहीं कब उन्होंने धनुष को पकड़े, कब उन्होंने धनुष को उठाया, जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए इतने में धनुष एकदम दो टुकड़ा हो गए। जब दो टुकड़े हो गए इतने जोर से आवाज आई, इतने जोर से आवाज आई। आपको पता है जब रामायण में स्वयं श्री जब धनुष टूट गया वहां पर श्री परशुराम जी वहां पर आ गए, परशुराम जी आ गए, जब उन्होंने धनुष को तोड़ दिए जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए। जनक महाराज बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को सामने लेकर गया, जल्दी जल्दी सीता को लेकर गया। अभी सुनैना सीता को लेकर के आ रही है और मैया सीता सुंदर वरमाला लेकर आ रही थी। भैया कहाँ पर राम लखन सीता को ले आओ, और वो लड़की उसका हाथ में एक फूल की माला दे देना बजरंगी देवी। बोलिए श्याम राम चंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे। श्री रघुवर को मन कमल I'm
सर झुका दो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हम दशरथ महाराज का बेटा है। दशरथ मतलब किया जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलता था, इनकी हम बेटे हैं, हैं? और इनकी हम इनकी चरण में सर झुका दे गए, अभी शादी भी नहीं हुई, बोले सर झुका दो। भैया हम तो सर नहीं झुका सकते हैं। वो जैसे को तैसे प्रभु राम खड़े हुए। जब खड़े हुए इतने में जो सखियां थी, इतने में लक्ष्मण को कान से बोले, बोले देख लक्ष्मण, अगर तू हमारा काम करा दोगे ना, तुम्हारी काम हम भी करा देंगे। लक्ष्मण बोले क्या कराओगे? बोले देखो ये सीता जितने सुंदरी, इनकी एक एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, वो भी कम सुंदर नहीं, उसको साथ में तुम्हारा ब्याह करा देंगे अगर तुम हमारा काम करा दोगे। बोले बताओ क्या करना? बोले किसी तरह से राम का शरण को झुका दो, फिर मैया सीता गले में माला पहना दे, फिर तुम्हारी काम कर देंगे। इतने में राम ने इशारा की लक्ष्मण को, बोले लक्ष्मण तू काम कर। बोले क्या करूं प्रभु जी? मैं पृथ्वी स्वरूप लक्ष्मण है। बोले पृथ्वी तो दो टुकड़े है ही नहीं, एक टुकड़े को ऊंचे करो और एक टुकड़े को नीचे कर दो। पृथ्वी एक है, अगर हम ऊंचा करेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी आप दोनों ही ऊंचे हो जाओगे। अगर मैं नीचे करता हूँ पृथ्वी को, फिर आप दोनों ही नीचे हो जाओगे। फिर क्या करूं? बोले तो कुछ कर, देख तेरे भाभी माला लेकर खड़ी हुई, अभी माला नहीं पहना पा रही है, तुम तो कुछ कर अभी। इतने में लक्ष्मण राम की मन की भावना को समझते हुए प्रभु का चरण में प्रणाम किया। लक्ष्मण जब प्रणाम करेगा क्या करेगा? फिर उसको उठाना पड़ेगा ना। इतने में राम का सर झुक गया। राम का सर झुक गया तो एक बार राम का सर झुक गया तो इतने में मैया सीता ने राम की गला में फूलों की माला डाल
सारे देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे थे, प्रभु की शादी के लिए 33 करोड़ देवता आए हुए थे, प्रभु की विवाह हो रही है। इतने में सारे देवताओं ने आकाश से पुष्पों की बौछार की और सीताराम की जयकार लगाए। श्री सियावर राम चुपचाप बैठे हो, भगवान की शादी हो रही है, जयकार तो जोड़ दो। बोले श्री सियावर रामचंद्र Oh, yeah.